मेरठ में शनिवार सुबह रेलवे रोड थाना क्षेत्र स्थित न्यू प्रेमपुरी में घर में अकेली बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने केवल 5 घंटे में गिरफ्तार करने के बाद घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित पकौड़ी गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 1 बदमाश फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। शनिवार सुबह न्यू प्रेमपुरी की रहने वाली घर में अकेली बुजुर्ग महिला प्रतिभा मंडल को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया था। बदमाश बाउंड्री के सहारे महिला के मकान की छत पर पहुंचे और पूरी रात छत पर बैठकर गेट खुलने का इंतजार करने लगे थे। गेट खोलते ही बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर 50,000 रुपये की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने घटना का केवल 5 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आमिर उर्फ पकौड़ी निवासी मकबरा डिग्गी और मोनपुत्र जगबीर निवासी सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा कर दिया है। महिला की जो वृद्ध महिला है, उसके घर में आज लूट की वारदात हुई थी। घटना के अनावरण के लिए सीओ कैंट के नेतृत्व में रेलवे रोड की पुलिस एवं मुसलराज की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। इसमें टोटल अभी 2 लड़के पकड़े गए हैं। उनके पास से चोरी हुआ जो सामान है वो बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फ़ोन रेडमी के हैं, 2 अंगूठियाँ, 2 लौंग नाफे पहनने वाले तथा 28,050 रुपये इनके पास से मिले हैं। इसमें जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनके दो लोग पकड़े गए। एक का नाम आमिर और पकौड़ी है तथा दूसरे का नाम मोनू है। आमिर रेलवे रोड का ही रहने वाला है, जो हाल फिलहाल में आजकल ये हापुड़ में रह रहा है। और साथ में ये जो मोनू है, ये अभी खरपौदा में रहता है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे काफ़ी दिनों से, और मोहल्ले में सभी को पता था कि जो महिलाएँ प्रतिभा मंडल वो अकेले रहती हैं तथा इनके घर में कुछ पैसे मौजूद रहते हैं, जिनसे हमेशा रहते हैं इनके पास। इस चीज़ का जैसी इनको जानकारी हुई, इन्होंने कल रात में शराब पीते वक्त इन्होंने अपना प्लान बनाया। 3 लोग बैठे हुए थे शराब के पास। सुबह सुबह 5 बजे ये लोग बाउंड्री वॉल से चढ़े हैं। बाउंड्री वॉल से चढ़ने के बाद ये छत पे आए। छत पे इन्होंने थोड़ी देर वेट किया। जैसे प्रतिमा मंडल सुबह दरवाज़ा खोला, उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही ये लोग नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद इन्होंने इनके आँख और मुँह बंद कर दिया था, और मुँह बंद करने के बाद इनके हाथ बांधे। उसके बाद हाथ पैर बांध के इनको कमरे में लेके गए हैं। कमरे में इन्होंने चाबी के थ्रू लॉकर से जो भी सामान इनको मिला, इनका कहना है करीब 50,000 रुपये के आसपास कुछ गए, और कुछ ज्वेलरी गई थी। इनको भी अभी आइडिया नहीं है कितना सामान गया है। 40-50 हज़ार रुपये के आसपास का सामान है। वो पैसे इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद इन्होंने इनको एक कमरे में बंद किया तथा यहाँ से भाग गए। मुखबिर खास की सूचना पर हमने इनको पूछताछ के लिए बुलाया था, जहाँ पर पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 2 रेडमी फ़ोन बरामद हुए हैं। इसमें 3 फ़ोन चोरी हुए थे, जो 2 बरामद हो चुके हैं। इसमें कुछ ज्वेलरी थी, जिसमें से हमें 2 अंगूठी और 2 नग जो नाफे पहनने वाले होते हैं, कील बोलते हैं, ये बरामद हुए तथा 28,050 रुपये मिले हैं। पहले भी लूट की घटना में जेल जा चुके हैं? नहीं, लूट में तो नहीं, इनका चोरी की पहले जो ये आपका आमिर पकौड़ी है, ये पहले भी चोरी में जा चुका है। इसके ऊपर अभी 3 मुकदमे आज अगर मिला लेंगे 4 मुकदमे। सर, घटना में 2 ही आदमी थे? नहीं, टोटल 3 थे, 2 मिल चुके, एक की अभी तलाश जारी, उसको भी जल्दी अरेस्ट किया। इनका मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, मास्टरमाइंड कहना मुश्किल है कि तीनों ही बैठे थे एक साथ। कल जो कहना था इनका, तीनों बैठ के तीनों ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे इसमें। तो इनका कहना है कि जो 2 हैं, ये 2 तो हमने पकड़े, जब उनसे पूछताछ की इन्होंने बताया कि सब पैसे हमारे कमी थी, जो शराब पीते पीते अचानक इनको लगा कि ये इजी टारगेट है, क्योंकि वृद्ध महिला थी, इजी टारगेट होने की वजह से इनको टारगेट किया गया। सर, सवाल ये है कि देखिए, अभी इस पर पूछताछ के दौरान क्लियर हो जाएगा इसमें। बाकी अभी तो लग रहा है जिस तरह से इन्होंने घटना की, गैंग की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। सर, सवाल ये, चोरी का माल कहाँ बेचते थे, क्या उनकी भी जांच? देखिए, मैं जैसे बताया, ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो इन्होंने जो चोरी के पैसा इन्होंने खुद रख लिया था, ये अब इनसे पूछताछ की जाएगी और कहाँ भेजते हैं ये, कहाँ पे भेजते हैं। महिला के मकान का कैसे पूछताछ? देखिए, ये रोड पे ही महिला का मकान है, उसके जस्ट बगल में बाउंड्री है। ये बाउंड्री से चढ़े, बाउंड्री से चढ़ने के बाद छत पे पहुँचे। नहीं, ऊपर ऊपर खुला।